नीरज सिंह हत्याकांड के गवाह और दीप्ति मेयर प्रतिनिधि निखिलेश सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पर शुक्रवार सुबह जानलेवा हमला हुआ है। दीप्ति मेयर एकवल सिंह अपने समर्थकों के साथ थाना पहुंचे और निखिलेश सिंह ने लिखित शिकायत की। पुलिस को बताया कि हमलावर भाल गद्दा 2 नंबर निवासी टीपू वर्मा पिछले 4 दिन से उनके आवास के आसपास दिखाया जा रहा था। शुक्रवार की सुबह जब निखिलेश सिंह उर्फ गुड्डू अकेले अपने घर से बाहर बैठा था, तभी टीपू वर्मा वहां आया और बोला कि तुमने सचिव सिंह के खिलाफ गवाही दी। इतना कहने के बाद उन्होंने गुड्डू पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में गुड्डू की गर्दन, पेट एवं दोनों हाथ पर चोट आई है। हमला होते ही गुड्डू ने शोर मचाया। इसके बाद हमलावर टीपू वहां से भाग गया। सूत्रों से पता चला है कि 11 नवंबर को हमलावर टीपू वर्मा के घर पर गोलीबारी हुई। इस मामले में जगन्नाथ प्रसाद वर्मा ने शिकायत किया था। उसने गोलीबारी करने और हमला करने का आरोप निखिलेश सिंह उर्फ गुड्डू सिंह एवं अन्य पर लगाया था।